पपीता की खेती करने वाले किसान भाइयों के सामने पौधे जमने के बाद भी एक समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है वो दोस्तों है ये। देखिए ये समस्या हर किसान के सामने आती है और हर खेत में पपीता के ये देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये समस्या है जड़ गलन की, इस पौधे को जड़ गलन हुआ है, उसके अलावा कुछ भी इस पौधे पर समस्या नहीं है। तो इस समस्या का मैं आपको इस वीडियो में समाधान बताने वाला हूँ, 100% सही और सटीक समाधान। नमस्कार किसान भाइयों, रतन खेती वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये पौधा जो है सभी पौधों से, ये खेत में जो पौधे खड़े हैं उन सभी पौधों की तुलना में एकदम अलग है। थोड़ा सा मुरझा गया है, पत्ते भी पीले पड़ गए हैं और कमज़ोर कमज़ोर सा दिख रहा है। तो इस पौधे को हुई है जड़ गलन की समस्या। इस समस्या का मैं आपको समाधान बताने वाला हूँ, सही और एकदम सटीक उपाय। जड़ गलन की समस्या के लिए केवल 2 दवाई आपको उपयोग करनी है, उसके अलावा कुछ भी उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता ही है। और दूसरी दवाई हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में उपयोग करनी है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अब ये क्यों करनी है उपयोग, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो रिजल्ट देता है, केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका रिजल्ट दुगना करने के लिए और फास्ट रिजल्ट लेने के लिए हमें इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलानी पड़ेगी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के अंदर। अब ये जान लेते हैं कि इसका डोज हमें कितना देना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देनी है 40 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ में मिलानी है, 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इसमें है 6 ग्राम, तो 2-2 ग्राम एक पंप में डालिए, मतलब 15-15 लीटर के 3 पंप इस एक पैकेट से बनाने हमें, तो हर पंप में 2 ग्राम आ जाएगी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो दोस्तों जो आपने घोल तैयार किया है उसको अब डालना कैसे है वो आपको एकदम सही से बता देता हूँ। एक काम करना है आपको कि जो हमने घोल तैयार किया है वो डालना है इस तने पर। इससे पहला काम तो ये होगा कि अगर कहीं तना गलन भी है तो वो ठीक हो जाएगी। दूसरी समस्या इसमें जड़ गलन है वो भी इसके साथ में ठीक हो जाएगी, मतलब एक दवाई से 2 काम आपके एक साथ में ठीक हो जाएंगे, जड़ गलन और तना गलन दोनों भी सही हो जाएंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें।